हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? यह है संडे कमेंट बॉक्स सीरीज़ का वीडियो। हर संडे आपके कुछ कमेंट्स लेते हैं और उनका रिप्लाई करते हैं। वीकली आपके कमेंट्स लेकर उनका रिप्लाई करते हैं। अगर आपके भी कुछ कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं आप। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। आज का पहला कमेंट है मोहक मुकाटी का। लिखते हैं, सर मैंने ब्रेसेस लगवाए थे पर मैं रिटेनर नहीं लगा पाई थी, क्या अब वापस लगा सकती हूँ? ओके, ब्रेसेस लगवाने के बाद रिटेनर्स आपको कंपलसरी पहनने चाहिए, नहीं तो रिलैप्स होने के चांसेस होते हैं। मतलब वापस से दांत जैसे पहले थे उस कंडीशन में जाने लग जाते हैं। तो हाँ, आप लगवा सकते हैं बिल्कुल। डॉक्टर से बात करें, आपका मेजरमेंट वो फिर से करेंगे और आपके लिए रिटेनर्स बन जाएंगे। थैंक यू। नेक्स्ट कमेंट है फैजल खान का। लिखते हैं, सर मैंने टीथ निकलवाया है कल, मुझे क्या करना चाहिए बताएं प्लीज़। क्या खाना चाहिए बताएं प्लीज़। ओके, क्या क्या करना चाहिए इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है पहले। देखिए, खाने के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो जब भी आप दांत निकलवाएं, अभी आपने निकलवाया हुआ है या कोई भी निकलवाया, आपको ध्यान रखना है कि दांत निकलवाने के बाद या कोई भी डेंटल सर्जरी के बाद आपको ठंडा और पतला खाना खाना है। अगर जैसे हम चाय भी पीते हैं तो वो भी हमें ठंडी करके पीनी है, और पतला खाने से मतलब है लिक्विड फूड हम खाएंगे, उसमें आप दाल चावल, खिचड़ी जो होती है या रोटी भिगोकर जो दाल में खा सकते हैं, ऐसे फूड आप खा सकते हैं जो आपको खाने में ज़्यादा चबाना ना पड़े, मेहनत नहीं करना पड़े दांतों को। तो सॉफ्ट फूड लेंगे और ठंडा गर्म चीज़ें नहीं खाएंगे एक से दो दिन, तो बेटर होता है। थैंक यू। अगला कमेंट है प्रीति कुमारी का। लिखते हैं, सर मेरे ऊपर के सामने वाले टीथ में गैप है सर, मुझे ब्रेसेस लगवाने चाहिए कि नहीं? ओके, देखिए चेक करिए कि एक ही दांत में है या एक दो दांत में है सिर्फ सामने, और बाकी दांत सही हैं अगर आपके, तो भी आप ब्रेसेस लगवा सकते हैं अगर नेचुरली आप उनको पास करना चाहते हैं। अगर नहीं लगवाना चाहते हैं और सिर्फ सामने के दांतों में गैप है, तो इसके लिए कैपिंग ऑप्शन है, वीनियर्स हैं और कंपोजिट ट्रीटमेंट है, बिल्डअप्स है, ये सारे ट्रीटमेंट से भी ठीक किया जा सकता है, या फिर ब्रेसेस चाहें तो बिल्कुल लगवा सकते हैं आप, चेकअप करवाएं आप। थैंक यू। अगला कमेंट है ब्रजेश झा का। लिखते हैं, सर आई एम BDS फ्रेशर एंड योर सब्सक्राइबर, थैंक यू, प्लीज़ मेक वीडियो ऑन मेडिकल हिस्ट्री लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कार्डियक प्रॉब्लम इन डिटेल्स विद प्रिस्क्राइब मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री पर वीडियोज़ बना सकते हैं, जैसे डाटा मेंटेन करते हैं, कैसे हिस्ट्री लेते हैं, उस पर वीडियोज़ कर सकते हैं। लेकिन जो मेडिसिनल वीडियो आप पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी पब्लिश होते हैं, लेकिन पेड मेंबरशिप में, जो ज्वाइन का बटन आप देख रहे होंगे, जितने भी फ्रेशर हैं या फिर न्यू प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए ही है। उसमें हम ब्रांड नेम के साथ मेडिसिन की बात करते हैं, महीने में आपको दो वीडियो मिलते हैं, तो पेड मेंबरशिप में ऑलरेडी वो वीडियो पब्लिश हो रहे हैं काफ़ी समय से, लगभग एक साल से ज़्यादा का समय हो गया उसमें पब्लिश होते हैं। तो चाहें तो आप पहले ज्वाइन बटन को क्लिक करें, डिटेल्स पढ़ें और ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। अगला कमेंट है काजल का। लिखने क्या फ्लॉसिंग हर बार खाने के बाद करनी है, और जो हैंडल वाली फ्लॉसिंग आती है वो क्या वन टाइम यूज़ है? यूनिफ्लॉस आता है, अच्छा होता है, ईजी होता है यूज़ करने में। नहीं, खाना हर बार खाने के बाद आपको नहीं करनी है फ्लॉसिंग, दिन में एक बार भी आप करते हैं तो सफिशियंट होता है, बार बार आपको नहीं करनी है। और जो हैंडल वाली आप जो बोल रहे हैं यूनिफ्लॉस, उसको अगर आप ही यूज़ कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा बार यूज़ कर सकते हैं, अच्छे से आप क्लीन अगर करके आप रखते हैं, ज़्यादा बेटर है कि एक बार आप यूज़ करके उसको फेंक दें, पूरा बॉक्स उसका आता है और पर्सनली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। अगला कमेंट है जसप्रीत सिंह का। लिखते हैं, सर मेरे ऊपर जॉ का राइट विजडम टूथ टेढ़ा निकला हुआ है और नीचे वाले जॉ का नहीं निकला हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी? ओके, ऊपर अकल दाढ़ आ गई है, नीचे नहीं आ गई। इसमें जनरली एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो ऊपर वाला दांत है और नीचे उसका जो रिलेशन में दांत है, अकल दाढ़ है, वो नहीं आया है, तो वहाँ मसूड़ा होता है, बोन होती है, गम्स और बोन होती है, वहाँ पे वो टच होने लगता है तो काटता है, थोड़ा सा कट वहाँ पे हो जाते हैं, उसके कारण प्रॉब्लम होती है, पेन होता है। अदरवाइज ऐसा कोई प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो आप चेक करा सकते हैं, टूथ को ट्रिम करा सकते हैं एक लेवल तक। थैंक यू। अगला कमेंट है राजीव सिंह राजपूत का। लिखते हैं, इम्प्लांट में पेन होता है सर ड्रिल करने पर? नहीं, ये सारी एनेस्थीसिया के अंडर प्रोसीजर्स होती हैं, सुन करके किया जाता है, तो ड्रिल करने में भी कोई आपको
पेन नहीं होगा। एक और आपका ही कमेंट है, राजीव सिंह राजपूत, आपका ही कमेंट है, लिखते हैं 3 times सॉल्ट से गार्गल कर रहा हूँ फिर भी टीथ में पेन बन जाता है। ये आपको ध्यान देना है कि अगर अंदर इन्फेक्शन है, पस है दांत में, तो सिर्फ गार्गल करके आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको ट्रीटमेंट कराना है, सिर्फ इससे ही ठीक नहीं होगा। अंदर अगर इन्फेक्शन है, पस है, तो गार्गल करने से ठीक नहीं होगा, चेकअप करा लीजिए और ट्रीटमेंट लीजिए प्रॉपरली। थैंक यू। अगला कमेंट है ज्योति पांडे का, लिखते हैं मेरे मसूड़े की हड्डी बाहर है, क्या मैं ब्रेसेस लगवा सकती हूँ, उससे वो ठीक हो जाएंगे? जो गम से वो बाहर है, हड्डियाँ उसकी बाहर है, तो बिल्कुल इसके लिए आप लगा सकते हैं। टूथ भी इससे थोड़े बाहर होंगे आपके, अगर टूथ भी बाहर है बोन के साथ, प्रोक्लाइन बोलते हैं, अगर ऐसा है तो एक बार जनरली चेकअप करा लीजिए और लगा सकते हैं, इसको करेक्ट किया जा सकता है ब्रेसेस से। थैंक यू। अगला कमेंट है पीयूष आर्यन का, लिखते हैं सर आई एम ओनली 16 years old, कैन आई गो फॉर अ डेंटल इम्प्लांट फॉर माई वन फ्रंट टीथ टूथ, आगे के दांत के लिए इम्प्लांट करा सकते हैं कि नहीं, 16 की एज है, आप करवा सकते हैं, लेकिन उसके पहले चेकअप होंगे, वो करवाइए आप, एक्सरे होगा, उसके बाद CBCT एक होता है, बोन थिकनेस देखना होता है, प्रॉपर बोन है या नहीं, उसके बाद इम्प्लांट आप करा सकते हैं, तो चेकअप पहले आप कराइए, डायग्नोसिस कराइए आप। थैंक यू। तो ये थे आपके इस वीक के कुछ कमेंट्स और उनके रिप्लाई, होपफुली आपको आपके आंसर मिल गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं किन टॉपिक पर और वीडियोस आप देखना चाहते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।